दोस्तों वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 3-in-1 वाल मिक्सचर आप देख रहे हो, इसमें से पानी कंटिन्यू लीकेज हो रहा है। इस मिक्सचर कोक को दोस्तों आप कैसे बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में जो है बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये आप LNG पाना से जो है मैं उसका जो नॉब है नॉब को मैं ओपन करूँगा। तो ये दो नॉब को मैं ओपन करके दोस्तों इसका अंदर जो स्पिंडल फिटिंग होता है वो मैं स्पिंडल को जो है ओपन करूँगा। दोनों बाजू का जो स्पिंडल है दोस्तों उसको ओपन करना है, क्योंकि कौन स्पिंडल से पानी लीकेज हो रहा है वो मालूम नहीं है, इसलिए दो स्पिंडल है मेरे को ओपन करना है। अभी ये दो स्पिंडल दोस्तों मैं ओपन कर लिया हूँ, और ये झूना दो स्पिंडल मैं सीधा हार्डवेयर का दुकान पे इसको लेके जाके फिर इस साइज का जो नया स्पिंडल है वो मैं लेके आया हूँ। देख सकते हो दो नया स्पिंडल मैं लेके आया हूँ, और ये दो नया स्पिंडल मैं वापस इसमें फिट कर दूँगा। और ये जो नया स्पिंडल है दोस्तों इसका प्राइस बहुत ही कम है, तो आप ये मिक्सचर कॉक में ये इसका जो नया स्पिंडल है सीधा नया स्पिंडल लेकर के अगर आप फिट कर देते हो तो ये जो मिक्सचर कॉक का लीकेज का प्रॉब्लम है आपका लॉन्ग टाइम के लिए जो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मिक्सचर कॉक का दोस्तों स्पिंडल उसका मेन है, अगर आप नया स्पिंडल फिट करते हो तो लीकेज का प्रॉब्लम उसमें काफ़ी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जो है उसका सॉल्व हो जाता है। अब ये दो स्पिंडल जो है दोस्तों मैंने नया स्पिंडल फिट कर दिया हूँ इसमें, उसके बाद ये नॉब मैं घुसा के देख लेता हूँ बराबर आता है कि नहीं। तो नॉब इसमें बराबर आता है, ये नॉब दोस्तों अब जब दुकान में से लेके आता हूँ तभी ये नॉब साथ में लेके जाना है, फिर ये नया स्पिंडल में अब नॉब भी घुसा के देख लेना है नॉब आता है कि नहीं। तो अभी दोस्तों ये नॉब जो मैं फिटिंग करूँगा तो पहले देखना है किधर पानी बंद चालू होता है, फिर नॉब किधर साइड रखना है वो देखने के बाद LNG पाना से जो है मेरे को LNG टाइट देना है और नॉब को जो है मेरे को फिटिंग करना है। अभी इसका नॉब जो है मैं फिटिंग कर दिया हूँ, उसके बाद मैं पानी चालू करूँगा, पानी चालू करके फिर देखूँगा ये नया स्पिंडल लगाने के बाद इसका जो लीकेज का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले पानी चालू किया, अभी पानी बंद करके फिर देखता हूँ। देख सकते हो दोस्तों इसका जो लीकेज पहले हो रहा था तो वो लीकेज का प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। तो ये वाल मिक्सचर जो है दोस्तों ये रिपेयरिंग